यूट्यूब चैनल उम्मीद करते हैं सभी लोग खैरियत से होंगे। तो अल्लाह पाक का शुक्र है हम भी ठीक है, जा रही है, खुश रहिए, बाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। ये हमने घर में पौधे रेल बीजी हुई है, इसका बीज लगाया था कुछ दिन पहले, तो आज ये निकल आए हैं तैयार, थोड़े बड़े भी हो चुके हैं। ये देखिए कुदरत का निज़ाम, ये ऊपर से बंद है दोनों पत्ते ऐसे, तो नीचे इनके अंदर से भी निकल रहे हैं पत्ते। तो इन पे फूटे लगेंगी और वो हमारे पास ये तुम्मा है, आप देख सकते हैं कितना प्यारा ऐसे लग रहा है, ये खरबूजा है देखिए जी। तो ये हकीम वगैरह इन्हें इस्तेमाल करते हैं, वैसे तो जानवरों को देने के लिए बहुत अच्छा है, इसका कहते हैं साबुन भी बनता है, मुंह पे छाइयाँ वगैरह हो तो वो साबुन छाइयाँ वगैरह साफ कर देता है, दाने वगैरह भी। ये हमने रखा हुआ है, हम तो बकरियों को डालेंगे पर हम इसका साबुन ही बनाएंगे। हमने खाना वगैरह खा लिया तो घर का बाकी काम करते हैं, चलिए हमारे साथ। जी और ये चारपाई यहाँ इसलिए रखी है ताकि दरख्तों की छाँव में हवा चल रही है, तो इसलिए हम यहाँ बैठेंगे, वो भी इसलिए छाँव पे रखी है ताकि बाहर बैठें। कमरों में सुबह सुबह तो गर्मी होती है हब सी ऐसी, तो कमरों में नहीं बैठा जाता, तो इसलिए हम बाहर चारपाई हैं, इसलिए छाँव पे रखते हैं तो बाहर बैठें। जी और आपको नई खुशखबरी सुनाते हैं, आज रात पेट्रोल 14 रुपये बढ़ चुका है, तो आपको भी मुबारक हो, गुजरा को भी मुबारक हो, पेट्रोल बहुत महंगा हो चुका है तो आम आदमी के लिए सफ़र करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब इस मुल्क का अल्लाह ही वारिस है, सब कुछ जो भी है अब खुदा ताला ही कर सकता है, इंसानों से तो उम्मीद नहीं है। चारा हम यहीं पे रखते थे, वो सुबह सुबह बाबा ने बकरियों को डाल दिया, आप देखते हैं उन्होंने खा लिया या कैसे है उनके लिए हालत, उनको भी पता चल गया होगा महंगाई हो गई है, वो भी हिसाब से खा रहे हैं। दो बकरियां खाकर बैठी हुई हैं, बाकी ये तो खा रही हैं, कुछ चारा पड़ा हुआ है, जब ये खा लेंगी तो इनकी सफाई कर लेंगे, उनको बाद में पानी भी थोड़ी धूप ज़्यादा होगी तो पानी भी पिला देंगे। तो जी मैं बोतलों को भी धोऊंगी, इनने पानी पीते हैं तो इन्हें भी धोना चाहिए, और टोकरियों में सब्जी काटते हैं इन्हें भी धोना चाहिए, क्योंकि हमारे घर अब मेहमान आने वाले हैं, तो मैंने एक सोचा कि किचन की सफाई हो जाए, अब हम बर्तन धोएंगे, साइड पे रख लेंगे, आगे पे इनको धो लेंगे, पहले बर्तन धो लेते हैं। मैंने बर्तन धो लिए हैं, उठा के मैं किचन में रखूंगी। अब इनके ऊपर कपड़ा डाल देंगे, हवा चल रही है, इनके अंदर मक्खी ना जाए या मक्खियां वगैरह ना बैठे, वैसे ठंडे मौसम आ गए मक्खियां तो कम ही है, पर फिर भी हट
मिट्टी भी उठा लेंगे, सब चीज़ों को जगह पे रख देंगे। तो मैंने पानी वाली बोतल्स भी धो कर रख ली हैं, तो अभी ने उठा कर अंदर रखेंगे। घर की सफाई कर रहे हैं, मेहमान वगैरह आने वाले हैं, तो इसलिए हमने कमरों से सारे शाड़े वगैरह, पेटियों के, हर चीज़ के बेड शीट्स वगैरह सारे उतार लिए हैं। और कुछ कपड़े हैं वो भी जमा हो चुके हैं। तो आज जुमे का दिन है, आज हमारा खाले पे पानी आएगा, तो आज हम कपड़े धोने जाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, यहीं पर करते हैं एंड। हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।